फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ कैलेंडुला के प्लांट लेकर आई हूँ और इन्हीं के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, मेरे कुछ कैलेंडुला के प्लांट हैं जो मैंने अभी बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट, लगभग जो 5-5 रुपीज़ के आते हैं सीडलिंग, ग्राउंड में लगे हुए छोटे छोटे सीडलिंग, उन्हीं को ग्रो किया था, उन्हीं को ला करके ऐड किया था अपने गार्डन में और इतने प्यारे प्यारे से फूल इनमें निकल करके आए हैं। अब जिस प्लांट को भी देखेंगे सभी में अलग अलग सा कलर आया है। देखिए, इसमें इतना डार्क ऑरेंज बिल्कुल और बीच में मैरून अभी पूरा खिला हुआ नहीं है, कल पूरा खिल जाएगा। और ये वाला देखिए, बिल्कुल डबल ट्रिपल लेयर का जो फ्लावर है, बहुत ही खूबसूरत सा। ये भी देखिए, बहुत सुंदर सा कलर है। और मल्टीपेटल वाले हाइब्रिड कैलेंडुला है सारे, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा हेल्दी ये ग्रोथ कर रहे हैं। और आप इनको नर्सरी से इस तरह से तैयार प्लांट भी ला सकते हैं या तो आप शुरू में इनकी सैपलिंग ला सकते हैं। छोटी छोटी सी सैपलिंग आपको इस तरह से मिलती है। देखिए, जैसे ये छोटा सा बेबी प्लांट यहाँ पर ग्रो हुआ है, तो इस तरह से इससे थोड़े से बड़े थे जब मैं लेकर आई थी, तो उस समय ये 5 रुपीज़ के मिल जाते हैं। तो मैंने लगभग कितने, लगभग 5 या 6 प्लांट अपने गार्डन में ऐड किए थे, 3 यहाँ लगाए हैं और 5 प्लांट लेकर आई थी। और ये वाला मैं पहले एक लेकर आई थी। ये देखिए, ये देसी वाला है। देसी वाले के फ्लावर छोटे होते हैं और इसके जो ये मतलब प्लांट होता है ये भी थोड़ा छोटा रहता है, इतनी ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होती है। इसके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं और इसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं। तो यही दोनों में अंतर होता है, हाइब्रिड और देसी में। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी मिट्टी की। तो मिट्टी की बात जब हम करते हैं तो मिट्टी अच्छी वेल रन होनी चाहिए, मतलब कि इसकी पोरस होनी चाहिए मिट्टी अच्छी। एक भाग मिट्टी, एक भाग सैंड, एक भाग कंपोस्ट। और अगर आपके पास राइस हस्क है तो आप उसको भी मिला दीजिए, वो भी बहुत अच्छा, मतलब मिट्टी को एक तो फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, जैसे जैसे डिकम्पोज होता जाता है और प्लांट की जो मिट्टी है उसको, उसका ड्रेनेज इतना अच्छा करता है कि मतलब बहुत ही अच्छा रहता है, उससे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो होते हैं। तो मैंने जब अपने सारे विंटर के प्लांट की मिट्टी तैयार की थी तो मैंने राइस हस्क मिलाया हुआ था अपने सारे ही प्लांट में। और नीम की खली भी ज़रूर मिलाइए, नीम की खली से आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो होते हैं, कोई फंगस वगैरह नहीं लगता है मिट्टी में जो भी होता है। तो नीम की खली भी आप ज़रूर मिलाइए और बोन मिल भी मैंने ऐड की थी। तो यही सारी चीज़ें मिला करके आप प्लांट को अच्छे से इनकी मिट्टी तैयार कीजिए, उसके बाद प्लांट को लगा दीजिए। और आइडियल पॉट जो होता है कम से कम 8 इंच का होना चाहिए, 8 इंच से 10 इंच के पॉट में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होगा। वैसे 8 इंच का पॉट भी काफ़ी अच्छा होता है कैलेंडुला प्लांट के लिए। मेरे पॉट जो है देखिए सिर्फ 5-5 इंच के हैं और काफ़ी ज़्यादा छोटे, ये तो 5 इंच का है, बाकी तो 3 इंच या फिर 4 इंच के ही हैं जो इनमें लगे हुए हैं। तो अभी मैंने कुछ गमले ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से, अगर वो आ जाते हैं टाइम से तो मैं उनको इस उनमें रिपोर्ट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पॉट हैं, उनमें पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है। आज देखिए मेरे, मैंने खैर आज पानी दिया ही नहीं था, इस तरह से मिट्टी बिल्कुल सूख गई और उसके पत्ते भी नीचे की तरफ झुकने लगे हैं। तो पानी की बात करते हैं तो पानी इसको हमेशा, इसकी मिट्टी को थोड़ा मॉइस्ट करके रखना है, थोड़ी सी नमी बनी रहनी चाहिए, नहीं तो आपके प्लांट इसी तरह से नीचे की पत्तियाँ सारी इस तरह से मुरझाने लगती हैं, लटक जाती है। ये प्लांट देखिए कितना अच्छा हेल्दी स्टैंड है बिल्कुल, और इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी नीचे की आपको मुरझाई हुई दिखेंगे क्योंकि इनकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है। ये देखिए बिल्कुल से ड्राई हो गई है एकदम से, तो इतनी ज़्यादा मिट्टी को सूखने नहीं देना है। नीचे से क्या होगा, इसकी पत्तियाँ जो हैं वो इस तरह से येलो होने लगती हैं। तो मैं भूल गई हूँ आज, बाकी पौधों को मैंने दिया है पानी लेकिन पता नहीं शायद मैं इसमें डालना भूल गई हूँ, इसमें और इसमें दोनों मैंने नहीं डाला। ये देखिए ग्रो बैग में ही लगा है, उस समय मेरे पास गमले नहीं थे तो मैंने जो मेरे खाली पड़े जो नर्सरी वाले ग्रो बैग होते हैं उन्हीं में मैं अपने प्लांट को रिपोर्ट कर लेती हूँ, तो ये उसी में लगा रह गया क्योंकि पॉट नहीं था मेरे पास। तो पानी आपको हमेशा थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखना है इसमें, ताकि इसकी मिट्टी एकदम से ड्राई ना हो और प्लांट की पत्तियाँ मुरझाने नहीं पाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र में आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, काउडंग मन्योर और वर्मी कंपोस्ट का, या फिर आप मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र लिक्विड बना करके दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा इसके लिए रहेगा। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है इस प्लांट को, बस इतना ही फर्टिलाइज़र आप देते हैं, लगभग हर हफ्ते या फिर हर 15 दिन में इतने फर्टिलाइज़र आप देते हैं, या तो मस्टर्ड केक लिक्विड बना कर दीजिए या तो गोबर की खाद का लिक्विड दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट का, तो इनमें से तीनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं, तीनों ही अच्छा होता है।
मस्टर्ड केक भी काफ़ी अच्छा होता है विंटर प्लांट्स के लिए, तो उसका लिक्विड आप अच्छा मतलब एकदम पतला लिक्विड ही बना करके देना है, गाढ़ा गाढ़ा से नहीं देना है, नहीं तो वो भी जम करके फंगस क्रिएट करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आप सूखे फूलों को हटाते जाइए। जैसे देखिए ये सूखने वाला है फूल, अभी थोड़ा सा फ्रेश है, कल ये सूख जाएगा तो कल मैं इसको यहाँ से नीचे से इसकी जो स्टेम है यहाँ से कट करके इसको हटा दूँगी। तो जितने ज़्यादा आप इसके फूलों को हटाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें और ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और ज़्यादा न्यू फ्लावरिंग होगी। ये अभी इनकी फर्स्ट फ्लावरिंग ही है और देखिए प्लांट कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, उनके कलर देख करके ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैंने अपने गार्डन में ये वाला तो फर्स्ट टाइम देखा है ये वाला कलर, क्योंकि ऑरेंज कलर का होता है इस तरह का होता है, इस तरह का ऑरेंज रहेगा और बीच में ब्राउन रहेगा जैसे इसमें है, लेकिन ऐसा टाइप का ऑरेंज पहली बार मेरे गार्डन में ये आया है, बहुत प्यारा लगा मुझे। तो इसके सीड मैं बाद में कलेक्ट कर लूँगी फिर, ताकि मैं इसको नेक्स्ट ईयर भी ग्रो कर सकूँ अपने गार्डन में। और ये भी मेरे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से कलर हैं, तो इनमें कलर आपको लगभग यही दो कलर मिलेंगे, ऑरेंज येलो मैरून, तीन कलर, मतलब एक ऐसा सिंगल मिलेगा जिसमें ऑरेंज नहीं रहे, जिसमें ये वाला ब्राउन वाला पार्ट नहीं रहेगा, और दो प्लांट आपको दो फ्लावर ऐसे मिलेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मैंने इससे पहले ऐसा मतलब इतना प्यारा सा फ्लावर कभी नहीं देखा था कैलेंडुला में। तो इस तरह से ये आपको कलर मिल जाएंगे। सीड से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, आप कहीं पर भी इसके सीड को स्प्रिंकल कर देंगे अभी भी तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी एक सीड है, ये मेरे देसी वाले का है, लेकिन ये वाला जो प्लांट ग्रो हुआ है यहाँ पर छोटा सा, ये देसी वाले का है। तो देसी वाला मेरे पास पहले मैंने लगाया था, बहुत सारे प्लांट लगाए थे मैंने, उन सबको हटा दिया क्योंकि उनकी जो लंबाई थी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे थे। और एक प्लांट अभी भी मेरा सेकेंड फ्लोर पर अभी भी रखा है जो कि फ्लावरिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो मैंने उसको रखा हुआ है, बाकी मैंने हटा दिए हैं। तो दो तीन वैरायटी में मतलब इस तरह से मिल सकती है, मिल जाती है आपको। और सनलाइट की बात करते हैं तो आप इनको मतलब 4 घंटे की धूप में भी अगर रखते हैं प्लांट को तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप देने की भी ज़रूरत नहीं, वैसे फुल सनलाइट में भी बहुत अच्छे से चलते हैं। तो अगर 3-4 घंटे की धूप इसको मिलती है तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, इससे कम धूप मिलेगी तो फिर इसमें पत्तियाँ ज़्यादा ग्रो होंगी, फ्लावरिंग कम होगी, तो ये मतलब है इसमें। और जैसे 6-8 घंटे की धूप में यही होता है, फ्लावर खिलते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, स्पेंट हो जाते हैं। तो अगर जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप इसको चाहे तो थोड़ा सा ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर सिर्फ सुबह की 3-4 घंटे की धूप लगे, तो आपका प्लांट काफ़ी दिनों तक अच्छे से चल जाएगा। आप इसको समर में भी सेव कर सकते हैं अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो जिस इलाके में मतलब ठंड पड़ती रहती है हमेशा उस इलाके में ये पूरा 12 महीने पूरे पेरेनियल प्लांट की तरह भी चल जाता है। और इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, इसकी कई सारी क्रीम बनाई जाती है, और बर्निंग में भी मतलब जैसे जल जाते हैं तो इसके पत्तों का रस अगर आप वहाँ पे लगा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये ठंडक पहुँचाता है और जल्दी से उसमें निशान भी नहीं पड़ने देता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद भी होता है ये प्लांट। कई जगह पर तो इसकी चाय भी बना के लोग पीते हैं, और मतलब मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे आयुर्वेदिक और मतलब बहुत सारी इसकी कॉस्मेटिक्स जो भी मतलब हैं वो बनते हैं, तो काफ़ी अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी है। और सीड से भी ग्रो हो जाता है, आप चाहे तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है, तो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और एक प्लांट से आप बहुत सारे ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन, इस साल जैसे इसमें बहुत सारे सीड बनेंगे आप उनको कलेक्ट करके रख लीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन मतलब अगले साल के विंटर में आप सितंबर में इसके सीड लगा दीजिएगा, तो आपके पास ढेरों प्लांट इसके तैयार हो जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से एक प्लांट ला करके आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो बस यही थोड़ी सी केयर थी। और पेस्ट अटैक की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें कोई पेस्ट ऐसे लगता नहीं है, पर फिर भी लीफ माइनर का अटैक कभी कभी दिख जाता है प्लांट में, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप करते रहेंगे तो आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो फिर आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी सभी स्प्रे आप करते रहिए हर 15 दिन में, तो आपके प्लांट में कोई भी बीमारी या रोग का अटैक नहीं होगा। तो बस इतनी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, पानी का ज़रूर ध्यान रखिए, पानी बिल्कुल आपको मिट्टी सूखने नहीं देनी, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होने देना है, ज़्यादा पानी देंगे तो भी आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो मिट्टी आप बिल्कुल सॉफ्ट वेलडन बनाएंगे तो पानी उसमें ज़्यादा रुकेगा नहीं, और पानी ज़्यादा रुकेगा नहीं तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी चलता रहेगा। तो बस मुझे भी अभी पानी देना है इन प्लांट्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी मिट्टी सूख गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।